हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। आज का यह वीडियो माय दूजा के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इट्स 500th वीडियो। 500 वीडियो का जर्नी कब, कैसे, कभी इतने फास्ट सब कुछ हो गया ये पता ही नहीं चला। लाइफ के बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं। हर कलर अपने आप में एक नया इमोशन लेके आता है आपकी लाइफ में। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे लाइफ का वो इमोशन शेयर करने वाली हूँ जो प्रॉब्लम मैंने बहुत कम बार शेयर किया हुआ है। मैं लाइफ में ऐसे बहुत कम चीज़ें हैं जिसको लेके मेरे आँख में से पानी आता है, और रादर बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे आँख में से पानी आता है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ, किसी का बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, किसी का डिलीवरी बहुत अच्छा हुआ, किसी का प्रेगनेंसी का गुड न्यूज़ आया, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने बाय नेचर खुद को ट्रेन किया हुआ है कि खुद की खुशी और दूसरों की खुशी में भी खुशी ढूंढो, और मैं इतना ही डीपली एक्सपीरियंस करती हूँ जितना कि मैं खुद की खुशी को करती हूँ। बट देयर इज़ वन शेड ऑफ माई लाइफ जिसने मुझे काफ़ी तकलीफ दिया है, और कुछ दिनों पहले मैं उसके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा रो रही थी। इट वॉज़ अ टाइम वेन आई हैव लॉस्ट माई चाइल्ड। मैंने मेरा बच्चा खोया था, और एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली दिल में आता था कि क्या मैंने मेरे बच्चे को मार डाला है, हैव आई किल्ड माई चाइल्ड, जो यूजुअली बहुत सारी लड़कियों के दिल में आता है जिसका कभी मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है या केमिकल प्रेगनेंसी होता है। तो ये एग्जैक्टली मेरा जर्नी कैसा रहा। कुछ सालों पहले जब मैंने कंसीव किया था, अभी मेरी दो डॉटर्स हैं, मेरी बड़ी वाली डॉटर 9 साल की है, मेरी छोटी वाली डॉटर 6 साल की है। इस सब ड्यूरेशन में एक बार जब भी मैंने कंसीव किया था, तभी कंसीविंग के बाद जब भी मेरा सोनोग्राफी हुआ, तभी डॉक्टर ने बोला यू हैव कंसीव ट्विंस, एंड आई वाज लाइक ओके इट्स ट्विंस। एकदम खुशी, एक्साइटमेंट, मज़ा, वो सारे ट्विंस को लेके फैमिली कैसा रहेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ दिमाग में चलने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी बहुत अच्छा रहा। ट्विंस के केस में मुझे डॉक्टर ने बोला था कि एक बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा है, बट एक बच्चे का ग्रोथ इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एंड वी वर लाइक ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे पता चल जाएगा। फिर एक हफ्ते बाद मेरा वापस एक बार सोनोग्राफी किया गया, और उस सोनोग्राफी में पता चला कि एक बच्चे का ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया है, और उसका टर्म उन्होंने हमें बताया कि इट्स कॉल्ड एज वैनिशिंग ट्विंस। मतलब मेरा एक बच्चा अभी नहीं था हमारे साथ, और एक बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा था। मैंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की, तभी प्रेगनेंसी का रिकॉर्ड बुक लिया था, उसमें मैंने सोनोग्राफी के फोटोज़ डालना शुरू कर दिया, डॉक्टर के पास जो विजिट्स होते थे उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। सी, बींग फ्रॉम दिस फील्ड, मुझे पता है कि मेरे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन से होना चाहिए, मुझे कौन से नेक, रिस्ट, हैंड मूवमेंट्स करने चाहिए, मेरे अर्ली प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में एग्जैक्टली मेरा रूटीन कैसे होना चाहिए। एंड आई थिंक बींग ऑलरेडी अ मदर, मुझे ये चीज़ों का तो पता था कि आप एग्जैक्टली बच्चे के प्रेगनेंसी को लेके कैसे आगे जाओगे। तो मैं खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। एज सच आई हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स, एज सच कोई नेगेटिव हैबिट नहीं है मुझे। सडनली फ्रॉम 8th वीक, जहाँ पे बच्चे का हार्ट बीट नॉर्मल था, बच्चा मस्त मूवमेंट्स भी कर रहा था, 8th वीक ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड स्पॉटिंग। तो मुझे धीरे 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 ब्लीडिंग शुरू हो गया। जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुआ, वैसे बहुत सारा कन्फ्यूजन शुरू हो गया, और फिर फाइनली डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि माइट बी जो बच्चा नो मोर है पेट के अंदर, वो बच्चा अपना रिटर्न जर्नी शुरू कर रहा है, इसके लिए शायद से मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। तो ब्लीडिंग आई कुड एक्सेप्ट अ लिटिल मोर ईजीली कि ठीक है बाबा, तो दूसरा बच्चा ठीक है क्या, तो थोड़े से ऑफन सोनोग्राफीज चेक करने के लिए क्या दूसरे बच्चे के साथ सब कुछ ठीक से चल रहा है। सो इट वॉज लाइक गुड गुड गुड। जैसे मैं 11 वीक्स में पहुंची, बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से था, बट आई स्टार्टेड ब्लीडिंग इवन मोर। सो ऑलमोस्ट आप लोग पकड़ सकते हो कि मैं 5 हफ्ते से कॉन्स्टेंटली आई वॉज ब्लीडिंग, और अभी तो ब्लीडिंग और भी ज़्यादा बढ़ गया था। बट ब्लीडिंग के साथ कुछ और अनयूजुअल चीज़ें शुरू हो गई थी, जैसे पेट में थोड़ा सा क्रैम्पिंग होना, बहुत ज़्यादा बैक पेन होना, ऐसे बैठे बैठे सडनली आँख में से पानी आ जाना। एंड आई टेलिंग माई फैमिली आई एम नॉट फीलिंग ओके, कुछ हो है क्या, डॉक्टर के पास जाने। डॉक्टर कुछ नहीं, डॉक्टर बोल रहा है आप रेस्ट करो, आप जो दवाई दी है वो लो, बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो रहा है, अभी मैं डॉक्टर के पास जाके क्या करूँगी। बट आई एम नॉट फीलिंग ओके,
समीर वो चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी, बिकॉज ये बहुत दिनों तक, दो तीन दिन तक हेवी ब्लीडिंग का जर्नी चालू था। आई वॉज इन अ कम्प्लीट बेड रेस्ट बाय देन, एज सच कोई मोमेंट्स नहीं था। और फिर एक दिन जब मैं वॉशरूम गई, आई हैड अ बिग ड्रॉप कमिंग आउट एंड इट वॉज अ प्लेसेंटल सेपरेशन। सो द डे आई कैन नॉट फॉरगेट, बिकॉज आई कैन टेल यू दैट ऑलमोस्ट बच्चा हाथ में था एंड इट वॉज कम्प्लीट प्लेसेंटल सेपरेशन। हमने बच्चे को लिया, एक छोटी सी बैग में डाला और हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचे और डॉक्टर ने तभी कंक्लूड किया इट्स फिनिश्ड, इट्स ओवर। एंड वी क्राइड अ लॉट। आई थिंक मिसकैरेज अपने आप में बहुत सारे इमोशंस से आपको बम्बार्ड कर देता है, जैसे मैंने क्या गलती किया, मैं तो कोई गलत हैबिट भी नहीं करती हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा है। फिर एग्जैक्टली मिसकैरेज हुआ क्यों, कैसे हुआ और अभी क्या करना चाहिए, बिकॉज यू ऑलरेडी ऑलमोस्ट 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी चला गया था, तो मुझे DNC करना पड़ा, तो एडमिट होके यूट्रस क्लीनिंग प्रोसेस हुआ, नॉट वेरी लेंथी प्रोसेस, बट यूट्रस उनको क्लीन करना पड़ा, ये दवाई से क्लीन होने वाला प्रोसेस नहीं था। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुछ दिनों तक यू माइट हैव स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, बट मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ की जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज इट वॉज प्लेसेंटल सेपरेशन, आई रिसीव्ड अ बेबी। बच्चे को डॉक्टर ने एमनियोटिक सैक में से निकाला और बच्चे को मैंने लिटरली अपने हाथ में, इट्स वेरी टाइनी बेबी, और मैंने बच्चे को हाथ में लेके बोला दैट बच्चा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप ऐसे बच्चे हो जिसने मुझे बहुत खुशी दी है, खुशी ऑफ बीइंग अ मदर पिछले कुछ महीनों में। आई थिंक माइट बी ये प्रेगनेंसी, ये वूम, ये यूट्रस, आपका और मेरा कॉम्बिनेशंस या जो भी कैलकुलेशन ऊपर वाला करके आपको मेरे पास भेजा हुआ था, माइट बी देयर वाज सम कैलकुलेशन मिस्टेक, और आपके लिए और बेटर लाइफ और बेटर सेट ऑफ पेरेंट्स माइट बी डिज़ाइन किए गए, इसीलिए आपको जय बप्पा लेके गए। सो जस्ट हैव एन फैबुलस लाइफ बच्चा, आप जहाँ कहीं पे भी वापस रीबर्थ लोगे या जहाँ कहीं पे भी बॉर्न होगे, मम्मा जस्ट वॉन्ट टू विश यू दैट आपका लाइफ बहुत अच्छा हो। और मैंने बहुत पॉजिटिव में मैं उस बच्चे को बाय बाय किया। वॉज आई सैड, वॉज आई अनहैप्पी, यस, बट वॉट अ ब्यूटिफुल थिंग आई डिड वॉज देर वॉज नो गिल्ट ट्रिप, मैंने मेरे बच्चे को मारा है। इनफैक्ट हमारे किसी रिलेटिव ने तभी कमेंट किया था कि कुछ रेहा संभालती नहीं है ना, वो बहुत एक्टिव है ना, इसीलिए उसका बच्चे के साथ ऐसा हो गया। आई फील सो बैड दैट हैव आई एक्चुअली किल्ड माई चाइल्ड, एंड दैट कैन नॉट बी द केस। कोई माँ ऐसा नहीं करेगी, दैट विल किल अ चाइल्ड। इट्स देयर इज सो मच ऑफ लव विथ विच वी गो अहेड विथ लाइफ। इनफैक्ट इवन टुडे द वे आई सेड 3-4 डेज बैक मैं मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ, आई एक्चुअली थिंकिंग कि अभी मेरा बच्चा होता तो वो कितने साल का होता, इट वॉज होता। सो बिकॉज आई केम टू नो वेन आई रिसीव द बेबी आफ्टर 12 वीक्स दैट इट वॉज अ बेबी बॉय, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू बाय शेयरिंग दिस पर्टिकुलर स्टोरी की डोंट कैरी एनी गिल्ट। आई थिंक मैंने अपने आप को एक बहुत खूबसूरत लाइन बोली थी जो मेरे टीचर ने मुझे कई सालों पहले सिखाई थी, जो आपका है उसको आपसे कोई लेके नहीं जा सकता, और जो आपका नहीं है उसको आप आपके पास नहीं रख सकते। सो माइट बी आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग व्हाट आई अंडरस्टूड वाज माइट बी वो बच्चा मेरा था ही नहीं एट फर्स्ट प्लेस। बच्चा आया, कुछ दिनों तक मेरे साथ रहा, एंड देन इज टुक अवे बैक। जस्ट डोंट बी गिल्टी, एंड यस देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस, मिसकैरेज होना या केमिकल प्रेगनेंसी होना या अबॉर्शन होना, किसी वजह से हर चीज़ की वजह होती है। कभी पहले 3 महीने में हो जाता है, कभी बाद के 3 महीने में होता है, इन वेरी फ्यू केसेस आखिरी 3 महीने भी मैंने सुना हुआ दैट बेबी हैज स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। बट आई थिंक ऑल द ममास, आई थिंक नेचर हैज इट्स ओन वेज, हाउ डज इट लीव यू, इट लीव यू फीलिंग सैड बैड, बट डोंट बी गिल्टी। मेरा रिकवरी, मेरा बाउंस बैक बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ, एंड वन ऑफ द रीज़न वॉज बिकॉज मैं बाय नेचर बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, और मुझे उस दिन एक बात तो बहुत क्लियरली पता चली
द वे आई से हर रिलेशनशिप का आपके लाइफ में आने का रीज़न होता है, सीजन होता है, और माइट भी ये पर्टिकुलर बच्चे का मेरे साथ उतना ही सीजन था। ये था मेरा स्टोरी जब भी मैंने मेरे बच्चे को खोया। अभी भी आंखें मॉइस्ट होती है, अभी भी कभी आँख में से पानी आता है, अभी भी उस दिन को सोचती हूँ तो मुझे लगता है नो यार नहीं होना चाहिए था, बट आई थिंक दैट्स हाउ इट इज। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे दिल की हो तो अच्छा, मेरे दिल की ना हो तो और भी अच्छा, बिकॉज उसमें भगवान की मर्जी शामिल होती है, एंड आई हैव टेकन थिंग्स लाइक दैट। अगर आप में से कोई भी लड़की ऐसी है, हुएवर गॉन टू मिसकैरेज और यू हैव लॉस्ट योर बेबी, प्लीज नेवर थिंक हैव आई किल्ड माई चाइल्ड।